हेलो एवरीवन, आज हम कंपाउंड सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में भी क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। देखिए इसके क्या नियम होते हैं, वे पढ़ेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो क्लोजेज होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज तथा शेष कोऑर्डिनेट क्लोज होती है। इन क्लोजेज को कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। नियम नंबर वन देखिए, रूल नंबर वन क्या होता है, विरोध प्रकट करने वाली कंजक्शन बट मिस होता लेकिन, ओनली मिस केवल, यट मिस फिर भी, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है या शक्तिशाली है, ही इज टिमिड, वह कायर है या डरपोक है। तो ही इज स्ट्रॉन्ग, वह शक्तिशाली है, बट लेकिन, ही इज टिमिड, वह डरपोक है। ही इज स्ट्रॉन्ग, या दूसरी तरह से बना सकते हैं, ही इज स्ट्रॉन्ग यट मिस फिर भी, ही इज टिमिड, वह डरपोक है, वह शक्तिशाली है फिर भी वह डरपोक है। सेकंड देखिए, एंड मिस होता है और, एज वेल एच और भी, नॉट ओनली, न केवल, बट आल्सो, बल्कि, दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। ये सभी योग सूचक कंजक्शन होती हैं, इनका देखिए काफी यूज करते हैं। जैसे शी ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया, शी ड्रैंक मिल्क टू, उसने दूध भी पिया, तो ही शी ड्रैंक, उसने पिया वाटर एंड मिल्क, पानी और दूध। या दूसरी तरह बना सकते हैं, शी ड्रैंक, उसने पिया वाटर, पानी, एज वेल एज और भी मिल्क, यानी उसने पानी भी पिया और दूध भी पिया। इसमें जो अर्थ लगेगा वो भी का लगेगा, यानी और भी। आगे देखिए, वे बच्चे ध्यान से समझेंगे। जब दो कथनों में से एक कथन को चुना जाता है तो निम्न कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे अदरवाइज मिस होता अन्यथा, वरना या नहीं तो, और मिस होता है या वरना, या आइदर और का एक साथ प्रयोग करते हैं। आइदर मिस होता है या तो, और मिस होता है या। इसी प्रकार नाइदर का यूज करते हैं, नाइदर मिस होता है न तो, और नोर का प्रयोग होता है नहीं, नोर का अर्थ होता है न ही, और नोर, केवल नोर का प्रयोग भी कर सकते हैं, नोर का अर्थ होता है न ही। देखिए करते कैसे हैं, तो बच्चे ध्यान से समझेंगे। मूव क्विकली, यू विल मिस द ट्रेन, शीघ्रता से चलो, यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो मूव क्विकली, शीघ्रता से चलो, अदरवाइज, नहीं तो, या अन्यथा, यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। या दूसरे से बना सकते, मूव क्विकली, शीघ्रता से चलो, और वरना, यू विल मिस द ट्रेन, वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। दूसरा देखिए, डू नॉट गो टू हिम, उसके पास मत जाओ, डू नॉट गो टू हिज ब्रदर, उसके भाई के पास मत जाओ। तो कैसे जोड़ते हैं, नाइदर से जोड़ते हैं, नाइदर, न तो, गो टू हिम, न तो उसके पास जाओ, नोर और नहीं, गो टू हिज ब्रदर, नहीं उसके भाई के पास जाओ। आगे देखे, कीप क्वाइट, शांत रहो, गो आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर चले जाओ। आइदर कीप क्वाइट, या तो शांत रहो, और या गो आउट ऑफ द क्लास, या क्लास से बाहर चले जाओ। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। आगे देखिए, परिणाम और रिजल्ट प्रकट करने के लिए सो मिस होता है इसलिए का प्रयोग करते हैं, देयरफॉर मिस भी इसलिए होता है इसका प्रयोग करते हैं, और इसमें कंपाउंड फोर का अर्थ क्या लगता है, क्योंकि इसका प्रयोग करते हैं, आदि कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, ही वाज क्रिमिनल, वह अपराधी था, ही वाज पनिश्ड, उसको दंड दिया गया, ही वाज क्रिमिनल, वह अपराधी था, सो इसलिए, ही वाज पनिश्ड, उसको दंडित किया गया। दूसरी तरह से बना सकते हैं, सी वाज क्रिमिनल, वह अपराधी था, देयरफॉर इसलिए, ही वाज पनिश्ड, उसको दंडित किया गया। ही इज जेंटिलमैन, वह सज्जन व्यक्ति है, ही इज रेस्पेक्टेड बाई अस, उसका हमारे द्वारा क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो ही इज रेस्पेक्टेड बाई अस, उसका
हमारे द्वारा सम्मान किया जाता है फॉर्मिस क्योंकि ही जेंटिलमैन क्योंकि वह सज्जन व्यक्ति है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। उसमें 25 का बार बार अध्ययन करेंगे। एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी सेफ।